आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि काऊ का साइंटिफिक नेम क्या है तो काऊ क्या है काऊ है हमारी गाय तो गाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है देखिए साइंटिफिक नेम देने की जरूरत क्यों पड़ती है पहले ये जान लेते हैं साइंटिफिक नेम हम इसलिए देते हैं जिससे कि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज हो सके यूनिवर्सली आइडेंटिफाई हो सके कि हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हमें बात करनी है कि अगर काऊ तो काऊ हम इंग्लिश में काऊ बोलते हैं हिंदी में हम गाय बोलते हैं तो देखिए अगर मैं गाय का शब्द लेके किसी जर्मनी के साइंटिस्ट को जाके बोलूं कि आप गाय के ऊपर रिसर्च करें तो वो गाय नहीं समझ पाएगा क्या होता है सिमिलरली अगर मैं चाइना चल जा जाऊं जहां पर इंग्लिश इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं है वहां पर मैं कहूं कि काऊ पर रिसर्च करिए तो वो शायद काऊ भी ना समझे तो हमें एक ऐसा साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम हमें तैयार कर लेना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं सब एक्सेप्ट कर सके तो इसी वजह से हम हर एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देते हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग तो काऊ बेसिकली क्या है हमारी गाय और गाय का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है बॉस इंडिकस तो हमें पता है ये जो साइंटिफिक नेम हमने दिया है ये है बाइनोमियल नॉमिन यानी कि यहाँ पर दो वर्ड से एक ऑर्गेनिज्म का नाम तैयार हुआ है जो बॉस है ये इसका जीनस का नाम है और ये ये इसका का का नाम है। है। है? है तो तो जीनस से रिलेट करने वाली है। उसकी स्पीशीज क्या है? इंडिकस। तो इंडिकस बन जाता है हमारी का लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस लेवल का दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज डाउनलोड करें व्हाट्सअप कीजिए अपने WhatsApp आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर